हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया, वो हिंडाल्को शेयर लेटेस्ट न्यूज स्टॉक टू बाय नाउ। पिछले 3 से 4 हफ्तों से हम देख रहे हैं मेटल सेक्टर में एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया है, जिस सेक्टर ने 2022 में काफी अंडर परफॉर्म किया था, अब वो पिछले 3 से 4 हफ्तों से अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। और हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील, जितने भी मेटल स्टॉक के नाम ले लीजिए, पिछले 1 महीने का चार्ट पैटर्न ले लीजिए, सभी का चार्ट पैटर्न हायर हाईज और हायर लोज का दिखेगा, यानी सभी के ट्रेंड ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। और हिंडाल्को इस समय आउट परफॉर्म कर रहा है। और आज भी अगर हम देखें तो लंदन मेटल एक्सचेंज में कॉपर का जो रेट आया है वो 9,000 के ऊपर चला गया, 6 महीने की ऊंचाई पे है। इस पिछले बार जून में ये 9,000 के ऊपर गया था और आज फिर से एक बार 9,000 के ऊपर गया है, जिसके चलते हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम है। जहां तक हिंडाल्को की बात करें तो आज फिर से इसने 490 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दिया है काफी समय के बाद, और अब हिंडाल्को का लेवल शॉर्ट टर्म बनता है यहाँ पे 540 से 550 का, और अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड करें तो 650 से 700 का लेवल इस स्टॉक में आने वाले दिनों में आपको देखने मिल जाएगा। वीडियो की शुरुआत में मार्केट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। आज हमने देखा मार्केट को फर्स्ट कह सकते हैं हाफ में, स्पेसिफिकली पहले 1 घंटे में अगर हम देखें, जब मार्केट की शुरुआत हुई थी, एक रोलर कोस्टर राइड, एक बेहतरीन मूवमेंट नीचे की तरफ और बेहतरीन मूवमेंट ऊपर की तरफ भी देखने मिला था। जहां हमने देखा ओपनिंग होते हुए 17,900 के आसपास ही कल जहां पे क्लोजिंग हुआ था वहीं पे मार्केट ने ओपन किया। जैसे ही मार्केट ओपन हुई, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाए उस लेवल पे, नीचे की तरफ 17,810 के लेवल तक निफ्टी आ गई और वहां से एक स्ट्रांग पुल बैक आया। पुल बैक लेके गया निफ्टी को 17,975 के लेवल तक, स्पॉट लेवल्स बता रहा हूँ, और उसके बाद निफ्टी ने वापस नीचे की तरफ रिट्रेस किया, 17,900 के लेवल्स पे कंसोलिडेट किया और क्लोजिंग भी उसी समय उसी के आसपास दिया है, 17,875 और 17,925। ये जो सपोर्ट जोन है जहां पे कल क्लोजिंग मिला था, सेम आज भी क्लोजिंग वही मिला है। जैसे मैंने कल के वीडियोस में कहा था, एक ब्रेकआउट होने की तैयारी में है, और जिस हिसाब से जो इंडिकेटर्स कल के वीडियो में बताए थे, आज फिर से वही बता रहा हूँ कि क्योंकि चाइना पूरी तरीके से रीओपन हो रहा है, यहाँ पे मेटल एक्सचेंज मेटल्स की बात करें, अच्छा खासा बाउंस बैक आ रहा है। डॉलर नीचे की तरफ, अच्छा डॉलर इंडेक्स अगर हम देखें तो नीचे की तरफ आ रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है, क्रूड ऑयल नीचे, और साथ ही में थर्सडे यानी कल शाम को यूएस के जो इन्फ्लेशन डेटा आएंगे वो भी पिछले बार से कम होंगे, और कल रात को जो फेड की कह सकते फेडरल के जो गवर्नर है फेड बैंक के वहां के, उन्होंने जो पॉवेल ने यहाँ पे जो कमेंट्री दी है एक पर्टिकुलर मीट में, वो भी पॉजिटिव दी, जिसके चलते कल रात को भी डाउ जोन्स में हमने 200 पॉइंट का उछाल देखा। ओवरऑल मार्केट सिनेरियो काफी अच्छा लग रहा है, आने वाले समय में एक ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ, लेकिन उसके पहले शायद हम 17,775, 17,700 के लेवल्स एक बार टच हो सकते हैं और उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ जर्नी की शुरुआत होगी। कल वीकली एक्सपायरी है, एक्सपायरी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिस हिसाब से आज क्लोजिंग मिला है, 18,050 ऊपर मैक्सिमम लेवल दिख रहा है, नीचे 17,800 और 17,775 ये लेवल नीचे की तरफ टेस्ट हो सकते हैं। ऊपर अगर मूवमेंट आता है कल के दिन पे तो 18,050 के ऊपर फिलहाल तो वीकली एक्सपायरी यहाँ पे कटते हुए नहीं दिख रही है। बैंक निफ्टी की जहां तक बात करें, बैंक निफ्टी में मोमेंटम अच्छा बना हुआ है और आज एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी ने अच्छा क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी की जहां तक बात करें तो 42,000 का लेवल आज रिस्पेक्ट किया है बैंक निफ्टी ने और उस लेवल्स के साथ आज सस्टेन किया और क्लोजिंग भी 42,200 के आसपास दिया है, यानी एग्जैक्टली कह सकते हैं रेजिस्टेंस जोन पे क्लोजिंग दिया है। नीचे की तरफ सपोर्ट है 41,800 से लेके 42,000 के आसपास, लेकिन जो पहला रेजिस्टेंस बनता है वो है 42,200, 42,300, ये जो 100 पॉइंट की रेंज है वहीं पे क्लोजिंग दिया है। तो एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज अच्छा क्लोजिंग दिया है। ओवरऑल सिनेरियो पॉजिटिव है लेकिन कॉशियस रही और वॉलिटिलिटी काफी है, तो उस हिसाब से अपने पोजीशंस को टैकल कीजिए। वीडियो की शुरुआत में दो सर्विसेज का और भी देना चाहूंगा जो हम प्रोवाइड करते हैं। एवरी सैटरडे यूट्यूब लाइव में जुड़ जाइए, दोपहर को 3 से 4:45 के बीच में यूट्यूब लाइव कंडक्ट होता है, 45 मिनट्स का सेशन है, जितना हो सके उस यूट्यूब लाइव में जुड़िए, अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, उस समय उसके आंसर दीजिए। दूसरा तरीका है 30 डेज 90 डेज, दो तरीके के पैकेजेस, दोनों पैकेजेस में पूरे महीने में 15 से 20 कॉल ऐसे दिए जाएंगे जो आप डिलीवरी बेस, इंट्राडे बेस, एफएनओ बेस काम कर पाएंगे। बैंक निफ्टी निफ्टी स्टॉक ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही में आपके लाइव जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो उसका मैनेजमेंट होगा, लाइव मार्केट में लेवल्स आपको बताए जाएंगे जिससे आप आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली टैकल कर पाए। तो जितनी जल्दी हो सके यूट्यूब लाइव में जुड़िए, साथ ही में एडवाइजरी प्रोडक्ट में अलॉटमेंट लीजिए,
डबल बेनिफिट के साथ अपना पोर्टफोलियो को और भी बेहतर बनाइए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे कैसे सिनारियो बन रहा है हिंडाल्को में, ये देखेंगे हम, और आने वाले दिनों में हिंडाल्को कैसे आपको स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म क्या टारगेट्स रखने हैं वो आपको देखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि दिन में 2 बार कुछ ना कुछ अच्छी लर्निंग्स मिले जिससे आपका पोर्टफोलियो और भी बेहतर हो सके। वीडियो की शुरुआत करने से पहले और एक चीज बताना चाहूंगा मेटल सेक्टर के बारे में। इस समय क्योंकि चाइना रीओपन की स्टोरी हो चुकी है और चाइना और हांगकांग के बीच में भी सब कुछ रीओपन हो चुका है, आने वाले दिनों में मेटल सेक्टर और भी अच्छे से रिबाउंस करेगा। तो इसके लिए भी आपको कह सकते हैं यहाँ पे प्रॉपरली अपने स्टॉक्स को होल्ड करना है, मेटल स्टॉक्स को। Q&A सेशन का डेटा आपको दिख रहा है सैटरडे 14 जनवरी को दोपहर को 3 से 3:30 के बीच में, जुड़ जाइए। एडवाइजरी प्रोडक्ट के डिटेल्स दिख रहे हैं, अगर और भी कुछ जानना है तो कांटेक्ट कीजिए, फोन पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए और इस पर्टिकुलर एडवाइजरी प्रोडक्ट के बारे में जानिए। हिंडाल्को की जहां तक बात करें तो कल का अगर 2 दिन पहले का क्लोजिंग देखे तो 462 का था, टारगेट 491 का था शॉर्ट टर्म, जो आज अचीव हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि 490 का एक मेजर रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोजिंग देता है तो क्लियरली एक बड़े बड़ी रेंज की शुरुआत होती है, और अब वो रेंज है 525 से 550 की। तो अब आपका टारगेट होना चाहिए इस लेवल पे बाय कीजिए, स्टॉप लॉस रखिए एज इट इज 450 का, क्योंकि वो मेजर एक सपोर्ट जोन है, और ऊपर का टारगेट आपका बनेगा 525 से 550 का शॉर्ट टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म 650 से 700 का टारगेट। रिसेंटली पिछले हफ्ते जेफरीज की तरफ से जो रेटिंग एजेंसी है उन्होंने मेटल सेक्टर को पूरा आउट परफॉर्म किया था, यहाँ पे टाटा स्टील हो, हिंडाल्को हो, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील, सभी को अपग्रेड किया था और अच्छा खासा आउटलुक दिया था इंडियन कंपनीज का इस समय इन टर्म्स ऑफ मेटल सेक्टर। हिंडाल्को की जहां तक बात करें तो आईसीआईसी डायरेक्ट की तरफ 500 का टारगेट था, जो ऑलमोस्ट आज अचीव होते हुए दिख रहा है, और हिंडाल्को का और एक टारगेट मोतीलाल ओसवाल कंपनी की तरफ से आया था जो 520 का है, वो भी अचीव होते हुए दिख रहा है। प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखें तो एवरेज वॉल्यूम अगर पूरे महीने का देखें तो 71 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जिसमें से 21 लाख क्वांटिटी एज पर डिलीवरी क्वांटिटी ली गई है। 3 साल का रिटर्न देखें तो 126% का रिटर्न है, और 3 महीने में 17% का रिटर्न। तो 3 महीने में अच्छा खासा ये स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है। पिछले 5 दिन का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, बॉटम है 460 का, हाईएस्ट पॉइंट है 492 का। 1 महीने का चार्ट पैटर्न बॉटम है 432 का, हाईएस्ट पॉइंट 491 का, जो पहले भी था और आज भी वापिस बना है। और अगर 3 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए तो हाईएस्ट पॉइंट था 500 के आसपास का, और वहां से ये स्टॉक नीचे की तरफ फिर से एक बार रिट्रेट हुआ था 387, और फिर से एक बार ऊपर की तरफ ये स्टॉक जाते हुए दिख रहा है। प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखिए तो 73 लाख का अच्छा खासा कह सकते हैं वॉल्यूम दिखा है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए स्टॉक का तो 35% है प्रमोटर्स के पास, 25% है एफआईआर के पास, 30% है डीआईआर के पास, और पब्लिक होल्डिंग से करीबन 9.37। म्यूचुअल फंड डेटा देखिए दिसंबर मंथ का तो क्लियरली बाइंग ही की गई है, और क्वांटिटी है 40,48,000 शेयर्स। तो 40,48,000 शेयर्स यहाँ पे बाय हुए इन द टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड बाइंग इन दिसंबर मंथ फॉर हिंडाल्को, यानी अच्छी खासी क्वांटिटी हिंडाल्को की बाय की गई है। और रिटर्न्स परसेंटेज अगर हम देखें स्टॉक का तो 57 के आसपास आरएसआई है, एमएफआई 59 है, यानी दोनों ही न्यूट्रल जोन के आसपास है, ओवरबॉट नहीं है ना ही ओवरसोल्ड है, तो अप्रोप्रिएट लेवल्स पे हिंडाल्को मिल रहा है। इस समय मैं कहूंगा बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी भी आप अपना सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको डिफेंसिव प्ले करना है या फिर लग रहा है कि काफी स्टॉक ऊपर की तरफ चल चुका है, रिट्रेस हो सकता है, बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपनाइए। लास्ट इंस्टॉलमेंट 470 के आसपास लीजिए अगर मिलता है तो, नहीं तो स्ट्रेट अवे 525-550 के लेवल्स तो देखने जरूर स्टॉक में मिलेंगे। 1 हफ्ते का रिटर्न 5% का, 3 महीने का अगर रिटर्न देखे तो वो भी अच्छा काफी है, और अगर 52 वीक लो देखे उस हिसाब से अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक में हमें देखने मिला है। ओवरऑल सिनेरियो हिंडाल्को का काफी अच्छा है, और आने वाले समय में हिंडाल्को एक आउट परफॉर्म करेगा, इसलिए स्टॉक में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू।